तो भाई लोग बाजू में आप कमेंट देख सकते हैं। एक भाई ने हमारे वीडियो के नीचे कमेंट किया और बोला कि राहुल भाई 6 महीना हो गया, मेरा 6 महीना वीडियो बनाकर हो गया, उसके बाद भी ब्लैकमेल लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, अभी तक परेशान कर रहे हैं। ये अगर आपके साथ भी ऐसे हो रहा होगा तो किस तरह से आप ब्लैकमेलिंग से बाहर आ सकते हो और आपका वीडियो वायरल होने से किस तरह से आप बचा सकते हो, उसकी पूरी जानकारी आपका राहुल भाई इस वीडियो के अंदर देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे राहुल बामले यूट्यूब चैनल। तो शुरू करेंगे, जिन पहले उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपका राहुल भाई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लैकमेलिंग से कैसे बचा जा सकता है, इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखो, जब तक हम ब्लैकमेलर से प्यार से बात करेंगे, जब तक हम ब्लैकमेलर को बोलेंगे कि हम कल देंगे पैसा, परसों देंगे पैसा, सैलरी आने के बाद मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, ऐसे बोलने के बाद वो लोग आपसे पैसा मांगते रहते। जितना आप डरोगे उतना ही वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, उतने आपको पैसे की डिमांड करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको इसे छुटकारा पाना है तो उनको बोलना जो करना है कर, तुझे वीडियो वायरल करना है, तेरे पास मेरा फोटो है, तेरे पास मेरे फ्रेंड लिस्ट है, तेरे पास इंस्टाग्राम के फ्रेंड लिस्ट, फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट या घर वालों का नंबर, किसी का भी नंबर है, तू बिंदास उन लोगों को वीडियो भेज दे। जिस दिन तू वीडियो भेजेगा उस दिन मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरा कंप्लेंट मैं साइबर क्राइम के अंदर करूंगा। सिर्फ इतना बोलो, इतना बोलने के बाद वो आपको कभी लाइफ में परेशानी नहीं करेगा। लेकिन आप उनको बोलते कि नहीं भाई मुझे छोड़ दो, नहीं सर मुझे माफ कर दो, ऐसा बोलने के बाद देखो पहली बार तो लोग ब्लैकमेलर लोग रहते हैं, उनको सिर्फ आपको ब्लैकमेल करना है, आपको डराना है और आपसे पैसों की डिमांड करना है, ये उनका काम है। तो उनको जितना बोलोगे कि मेरा वीडियो ब्लॉक कर दो, मैं आपको पैसा दूंगा, बाद में दूंगा, कभी जब आएगा तब दूंगा, ऐसा बोलने के बाद वो लोग बार बार परेशान करते रहेंगे। इसलिए उनको सिर्फ इतना बोलो जो करना कर, मेरे पास फूटी कोड भी नहीं है, तुझे वायरल करना है तुझे यूट्यूब के अंदर डालना है डाल दे। और रही बात देखो, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के अंदर गंदा वीडियो वायरल नहीं होता। यूट्यूब के अंदर जो लोग डालते हैं वीडियो गंदा वीडियो, आप लोगों का वीडियो अपलोड करने का धमकी देते हैं, 95% वो सब ब्लॉक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं का भी टेंशन मत लो। और जो ब्लैकमेलर लोग डालते भी नहीं, जो बाहर गांव के लोग रहते होंगे वो डालते रहेंगे, लेकिन जो हमारे इंडियन जो ब्लैकमेलर लोग हैं वो कभी हमारे वीडियो सोशल मीडिया के अंदर डालते भी नहीं, सिर्फ डराते धमकाते हैं। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, जितना डरोगे उतना वो डरेगा, उतना पैसा मांगेगा अभी 6 महीने का, उसके बाद 6 महीना नहीं 12 महीने तक वो आपको ब्लैकमेल करते रहेगा। लेकिन जिस टाइम बोलोगे जो करने कर दे वीडियो वायरल, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर और माँ बहन का गाली देने के बाद, तो जिंदगी में आपको कॉल ही नहीं करेंगे। अगर बचना होगा तो आपको ऐसे करना होगा, एक बार ब्लॉक करोगे दो बार ब्लॉक करोगे चलता है, ब्लॉक करने के बाद भी चल जाता है, लेकिन देखो उनके पास बहुत सारे नंबर रहते हैं, अगर बार बार कॉल करते रहेंगे, एक बार उठो और माँ बहन का ले दो, वो जिंदगी में कॉल ही नहीं करेंगे आपको। और आपका वीडियो वायरल नहीं होगा उसकी गारंटी मेरी रहेगी, आप टेंशन मत लेना, सोशल मीडिया के अंदर हमारा वीडियो कभी वायरल नहीं होता, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और जो पुलिस वाला बन के कॉल करता है, यूट्यूब वाले क्या नंबर देता है, सब फर्जी रहता है, कोई पुलिस वाला नहीं रहता, कोई लड़की नहीं रहती, जो लड़की रहती है लड़की नहीं रहती, लड़की का पहले से रिकॉर्ड किया वीडियो आपको दिखाया जाता है और आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इसके अंदर कोई सचमुच की लड़की नहीं रहती, कोई सचमुच का पुलिस वाला नहीं रहता, ये सब उनका गेम रहता है, 3-4 लोगों का गेम रहता है, वो आपको फंसाते हैं, फिर आपको नोटिस भेजेंगे, आईडी कार्ड भेजेंगे, ट्रू कॉलर के अंदर नाम आएगा संजय सिंह, राहुल शर्मा, विनोद राठौड़, हेमंत मंत्रा, राकेश अस्थाना और भी ऐसे, राम शर्मा, राम पांडे, ऐसा कुछ भी नाम आएगा, जो पुलिस ऑफिसर है बड़े बड़े उन लोगों का नाम ट्रू कॉलर के अंदर ये छपरी लोग लिखते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो मैं भाई लोग यही बोलूंगा, अगर आपको इससे जल्द से जल्द बाहर आना है तो उनको माँ बहन का गाली दो, जितना प्यार से बात करोगे उतना ही वो आपको धमकी देंगे, उतना ही आपसे पैसे मांगेंगे। प्यार से बात करने के बाद वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते, अगर आपको बाहर आना होगा तो, क्योंकि देखो वीडियो कहीं वायरल भी नहीं होता तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, बिंदास दो दे वाली। और जो भी आपका फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा वो प्राइवेट कर दो या ब्लॉक कर दो, बंद कर दो हमेशा के लिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उनको एक फूटी कौड़ी नहीं देना, क्योंकि एक बार हम पैसा दे बैठते तो बार बार पैसा मांगते रहते, तो उनको पैसा बिल्कुल भी मत देना, उनको बोलना जो करना कर दे वीडियो वायरल, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर तेरी कंप्लेंट करने के लिए, सिर्फ इतने बोलो। रही बात फेसबुक फ्रेंड की, अगर उनके पास आपके फेसबुक फ्रेंड्स रहेंगे तो नहीं भेजते, 10 लोगों का स्क्रीनशॉट रहेगा तो 1-2 लोगों को भेजता है, सिर्फ लड़के लोगों को भेज सकते, तो आपके दोस्त रहेंगे उनको बोलेगा कि वीडियो आएगा तो ब्लॉक करो, बस उतना ही बोलो, बाकी कुछ नहीं, डर के मारे पैसा दे बैठते उनको, एक बार पैसा देने के बाद वो और मांगते रहेंगे, तो पैसा देकर मतलब भी नहीं। भाई लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट तक देखने के बाद धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।